लैंड क्रूजर यूएन की गाड़ी है ये, सुंदरबनी में लैंड क्रूजर मिल रही है। एक तो क्या है कि मैं लेट भी हो गया और ऊपर से क्या है कि जिन भैया से मेरी बात हुई थी, बाकी सीन्स आप यहाँ के देख ही रहे हो, अगर मेरे को कोई भी नहीं मिलता तो आज को भाई का बड़ा मूड ऑफ होता था। हांजी पैसा ऑफरोड हो रहा है तो वाटर क्रॉसिंग पे आ गई ब्रो। मीटअप पे तो उतने लोग आए नहीं थे, लेकिन अभी जिधर भी जा भाइयों ने रोक लिया मुझे, कह रहे जाने नहीं देना। सॉफ्ट टॉप है कि हॉट टॉप लेनी है, कलर कौन सा लेना है, आज के इस कमेंट सेक्शन में ये होना चाहिए। 24 घंटे आप बिजी रहते हो डेली, आपको लेकिन मेरी बात तो सुनो, वीडियो बनानी है आपको। अभी आपने भी तो गवर्नमेंट जॉब करी, तो हमारे पास ये एक वैगनर है। मेरे को लग रहा है पापा की बात सच हो जाएगी, 6 लाख तो होने नहीं है हमारी थार की, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे सीन्स आप देख सकते हो, दरवाजा बंद कर लेते हैं और मेरी आप देख सकते हैं पैकिंग, क्योंकि बाहर ठंड बड़ी ज्यादा है, हवा लग जाए तो बीमार हो जाओगे। 11 बजे जो हमारा मीटअप का प्लान है, मीटअप क्या है मतलब जो टूरिज्म की रैली है। मजेदार सीन सा बाहर के कुछ नहीं दिख रहा है। तो जो सुबह सुबह से क्या है कि एडिटिंग कर रहे थे और लाइट के यहाँ पे बहुत कट है, लेकिन आ चुके हैं मालकिन। मालकिन गुड मॉर्निंग, हाथ मिलाओ और बताओ क्या हाल चाल है, ठीक हो? सुबह सुबह खाना ले आयो और पहले पहले वो खाना। तो गाइस अभी मैं एडिट कर रहा था, तो आज आप चल रहे हो मेरे साथ रैली पे? घर का खाना हमें मिलता है, तो एक दिन जिस दिन मिल रहा है उस दिन तो दबा के खाना। शीशा कितना गंदा है गाइस। मैं रेडी हो गया हूँ, बाल बाल तो खैर ऐसे ही है। 11:30 का टाइम दिया हुआ था, 11:15 मुझे घर पे ही हो चुके हैं और मैं ना वीडियो भी एडिट नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख रहे हो इसे भी आधे में, और मुझे कोशिश करनी है कि 2:30 बजे तक मैं वापस आ जाऊँ। तो चलिए फटाफट निकलते हैं और देखते हैं मीटअप का क्या सीन रहने वाला है आज। मतलब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तो सीधा बाइक पे बैठता हूँ, मोटर व्लॉग में सारी बातें करता हूँ। चलिए बाइक जो है यहाँ पार्क कर दी थी, पर आज ना मैं काफी नर्वस हूँ। तो एक्चुअली मैं आपको सीन बताता हूँ, जेके टूरिज्म का एक इवेंट सा चल रहा है, जैसे आज सुंदरबनी में है, कल वो नौशहरा में है। तो सुंदरबनी का एक व्यू पॉइंट है, उसके लिए उन्होंने रैली का वो करा और मुझे कॉल आया। राहुल भी है द ट्रेवल फ्रॉम जम्मू, तो उन्होंने ही, ये आमिर भाई है, उनको मेरा नंबर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक हमें रैली ऑर्गेनाइज करवानी है, तो आप अगर आ सकते हो और आपका इन्फ्लुएंस भी है, तो अगर आप कुछ बाइक अरेंज कर सकते हो। तो मैंने जस्ट उसी के मैंने कहा रैली की रैली हो जाएगी, प्लस हमारी बाइक्स अरेंज हो जाएंगी, तो मेरा ना एक मीटअप भी हो जाएगा, मुझे पता भी चल जाएगा कि मीटअप के क्या सीन्स रहते हैं। बस उस चक्कर में मैंने ये बाइक छोड़ने ऊपर चला गया बेवकूफ। उन्होंने कहा कि 20-25 बाइक हो जाएंगी तो ठीक रहेगा। अब मुझे नहीं पता यार, क्या पता बाइक ज्यादा भी हो सकती है और क्या पता 10-15 बाइक्स भी ना हो। तो बड़ा नर्वस सा फील कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्या सीन्स होने वाले हैं। पहला मीटअप है मेरा, ये थोड़ा सा इज्जत का भी होता है कि भाई इन्फ्लुएंसर तो है बट लोग नहीं है इसके पास। मानिक मेरे पीछे ही बैठा हुआ है, इससे तो आज आपको मिलवा ही नहीं पाया, बिकॉज वो क्योंस ही इतना मच गया। जल्दी 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 स्टोरी मैंने डाल दी है क्योंकि 10 मिनट में लेट हो गया हूँ। यार मैं नर्वस हूँ, क्या पता लोग आए ना बेइज्जती हो जाए। तो बस अब क्या है कि सुंदरबनी पहुंचने ही वाले हैं। लोकेशन भी अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उन्होंने मुझे बताया था DDG ऑफिस है, पुलिस स्टेशन CID के ऑफिस के साथ में कहीं। जब मेरे लॉग एग्जाम होते थे हमें इतना नर्वस नहीं होता था जितना मैं आज फील कर रहा हूँ। लैंड क्रूजर UN की गाड़ी है ये, एक ही लैंड क्रूजर है। देखो सुंदरबनी में लैंड क्रूजर मिल रही है। मसला ऐसा हो गया कि 11:30 का टाइम दिया गया था, तो मैं जो है 10 मिनट लेट हो गया। ये मेरा इंडिविजुअल मीटअप तो था नहीं कि मतलब मैंने ही सबको बुलाया तो मेरा ही वेट हो रहा है। टूरिज्म की रैली थी, वो रैली वाले लोग भी होंगे, तो थोड़ा सा ऐसे ही मिसमैच हो गया। अरे यार यहाँ पे जो लोकेशन है जहाँ पे हमें जाना था, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, अगर वहाँ कोई सीन बनते हैं तो ठीक है, क्योंकि अब निकले ही हैं तो वहीं पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। नॉट अ गुड शो वैसे। क्या मीटअप होएगा रे? ओ मोर मोर देख रहे हो, यहाँ का ना लोकल हूँ लेकिन मैं भी आज तक यहाँ कभी नहीं आया हूँ। रास्ता आप देख रहे हो, मतलब अच्छी जगह है यार। अपन क्या है कि कैंपिंग वैम्पिंग के लिए ऐसे लोकेशंस के लिए इतनी दूर दूर जाते रहते हैं, क्या ये लोकेशन नहीं है सही? बस थोड़ा जंगली जानवर का खतरा हो सकता है इधर, पता नहीं। आई थिंक दिस इज द लोकेशन। हाँ जी ठीक हो? फाइनली हम पहुँच गए हैं, क्या लग रहा है तेरे को? गाड़ी यहीं से घुमा लें, यहीं से घुमा लेंगे तो सही रहेगा, ठीक हो? यार बंदे कितने आए थे अपने, आए भी थे कोई नहीं? तू भी उतरता ट्रैक सूट पहले सारे। तो वैसे मैं तो सोच रहा था कोई भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफी है, मतलब इतनी सपोर्ट भी सुंदरबन से हमें काफी है, ठीक है जी। तो अभी कितना लेट हुआ, कितनी देर होगी यहाँ पहुंचे हुए? 15-20 मिनट बस। यहाँ पे आगे जो भी प्रोग्राम है वो आपको दिखाते हैं। भाई का चैनल भी है, किस नाम से? सुमित दयाल नाम से, तो जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। एक तो क्या है कि मैं लेट भी हो गया और ऊपर से क्या है कि जिन भैया से मेरी बात हुई थी ना, उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया तो उन्हें जाना पड़ा नौशहरा, तो वो यहाँ पे है नहीं है। बाकी मैं अभी यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, इसलिए किसी से कोई ज्यादा इंटरेक्ट हो नहीं पा रहा है। बाकी सीन्स आप यहाँ के देख ही रहे हो, यहाँ से जो ईगल पॉइंट जगह है वहां तक सब लोग जाएंगे। अगर मेरे को कोई भी नहीं मिलता तो आज तो भाई का बड़ा मूड ऑफ होता था। मैंने कहा यार कोई भी नहीं जानता है सुंदरबनी में अपने, तो चलिए ठीक है। आप भी चल रहे हो ऊपर? हाँ ऊपर चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। चलो फिर चलो चलो
अब आए हैं तो हम लोकेशन तो एक बार देख लें, कभी अकेले भी आना पड़े, कैंपिंग के लिए आना पड़े तो नेक्स्ट मीटअप अगर हमने किया ना तो हम अगर थार की डिलीवरी लेंगे तब तब ये बात भी हमने बिल्कुल सही की। भाई धूल बहुत है। ओहो तो गाइज ये है अपने ब्लॉगर दोस्त। बच गए बच गए जी। ये रहा ईगल पॉइंट, तो ये आप देख सकते हो ईगल ही बनी हुई है। तो यही ना रास्ता भी है, मतलब आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ इसुजु लेकर आऊँ, मैं और मानिक यही डिसाइड कर रहे थे कि अगर हम इसुजु यहाँ तक पहुँच जाए तो यहाँ पे कहीं भी टेंट लगा के बड़े अच्छे से कैंपिंग हो सकती है। चलो जब तक इसुजु का तब तक उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं और यहाँ पे टेंट खोल के तो यहाँ कुछ कह रहे हैं खाने पीने का प्रोग्राम भी है गाइस। कल क्या है कि सब लोगों का वहाँ पे चल रहा है लेकिन अपने भाई लोग भी हैं यहाँ पे, तो हमने सोचा एक फोटो खींच लेते हैं, तो मानिक जी लेंगे फोटो। बस ये एक बनाना भी हमने ले लिया और यहाँ पे हैं आरुद भाई। क्या हाल चले जी? तो हम राजस्थान गए हुए थे, वहाँ भी इन्होंने हमें मैसेज करा था, वहाँ हम मिल नहीं पाए, तो ये भी हमारा मीटअप देख के ही आए थे। जी जी। तो कैसा लगा आपको मीटअप? बढ़िया। मीटअप हमारे लिए तो क्या कि मीटअप गॉन रॉन्ग वाली बात होगी, वैसे ऐसा नहीं है, बट ठीक था ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। मतलब जितने भाई लोग मिले सबसे अच्छे से मिल पाए हैं, तो यही चीज होती है। चलो जी कीप सपोर्टिंग है ना। ओके तो जी फिलहाल चले यहाँ से वापस। तो गाइस अभी क्या है कि हम वापस ही जा रहे थे, तो एक भाई का ही उन्होंने हॉर्न बजाया, मेरे को लगता है पक्का मेरे से मिलने आ रहे होंगे। हाँ जी आपके लिए तो हम आ रहे हैं। बस और बताओ लेट हो गया आप थोड़ा सा। अच्छा 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 वो नाम क्या आपका? यासीन। अच्छा आपका? कार्तिक। ठीक है ठीक है, चलो जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली थोड़ा ना मैस्ड अप हो गया सीन, समझ नहीं आया मुझे भी, थोड़ा सा ही है। आते हुए हम उस रास्ते से आए थे तो वो रास्ता ना काफी लंबा है, तो ये भी भाई अपने साथ ही है, तो ये कह रहे हैं कि ये वाला शॉर्ट है तो ऐसे रास्ता थोड़ा खराब जैसे ही है, पर कह रहे हैं 500 मीटर तक है ऐसा, फिर उसके बाद ठीक है। भाई साहब ऑफ रोड हो रहा है तो इधर वाटर क्रॉसिंग भी आ गई ब्रो। चलो जी इसमें बनी वापस पहुंच चुके हैं, तो दोनों को भूख लगी है तो फन बाइट्स जा रहे हैं। फन बाइट्स अपने ही हैं, आलोक भी आ गया, तो उन्होंने काफ़ी देर पहले मुझे जब ये फ्रेंचाइज खुली ना, जब खुला उन्होंने तभी मुझे बोला, लेकिन मैं कभी आ ही नहीं पाया, तो आज हमारे पास टाइम भी है, भूख भी लगी है, तो सीधा जा रहे हैं वहीं पर फन बाइट्स ही, यहाँ आगे पे है। लोकेशन तो बढ़िया है। बर्गर के बाद क्या है कि हमने पिज्जा ही मंगा लिया था, बाकी हर एक चीज एकदम बढ़िया है। आलोक भी अभी है नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मिलवाते आपको उनसे भी। मीटअप पे तो उतने लोग आए नहीं थे, लेकिन अभी जिधर भी जा रहे हैं भाई लोग मिल रहे हैं, हाथ मिला दो ही सारे। क्या हाल चाल है? तो स्कूल से छुट्टी नहीं कर सकते थे ना? छुट्टी नहीं कर सकते थे, बोर्ड आ गया ना। कौन सी क्लास है? 10th। चलो जी कीप सपोर्टिंग ऑलवेज। संडे को चलो कोई नेक्स्ट टाइम संडे भी रखते हैं। तब से मैं वहाँ ऊपर से आया हूँ ना, मतलब हर जगह मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, लेकिन तब के बाद मुझे इतने लोग मिल गए, इतने लोग मिल गए, और मैं सबको ये बोल रहा हूँ, मैंने कहा मीटअप पे नहीं आया आप, मीटअप पे नहीं आए। सबने यही बोला कि आपने संडे नहीं रखा था, और तकरीबन सारे जो थे स्कूल के बच्चे ही थे, सबने यही चीज़ कही कि अगर आपने संडे को रखा होता तो जरूर मिलते। चलो कोई नहीं कोई नहीं। वेट क्या चले ठीक हो? और बताओ भाइयों ने रोक लिया मुझे, कह रहे जाने नहीं देना, बंदे से मिलवाना है एक। थैंक यू। सब यूनिफॉर्म में, और मैं जिसको भी पूछ रहा हूँ यही कह रहे कि भाई आज तो स्कूल जाना था, क्या मीटअप पे कैसे आते? तो चलिए कोई नहीं अभी चलते हैं घर ही। ठीक है मानिक जी थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जाने के लिए। तू जम्मू कब आ रहा है? संडे को लगूंगा चक्कर। संडे को चक्कर, भाई साहब इसको ऑफ रोड पे लेके जाना है हमने। घर पहुंच चुके हैं, फटाफट से वीडियो एडिट करेंगे जो छोड़ के गए थे। बाहर देख सकते हैं आप गाइस। हाँ जी हमारी भूजी है। भूजी क्या हाल चाल है? ठीक हो? और सुनाओ? बस ठीक है। तो ये देखिए मम्मी और ये लगे हुए साग चुन रहे हैं, चुन तो लिया है इसको, छांट रहे हैं, ये बड़ा फेवरेट होता है ये सट्टे पत्थर। तैयार हो गए? कहाँ गई थी आज? सिर झुक रहे ना। अच्छा एक पहले ही हमें कुछ नहीं दे रहे, तो ऐसे ही चलता रही है घर। हाँ दूसरा तू परेशान कर रहा है। नहीं क्या तुझे रिटायर कर लगे? नहीं तो जी ये आंगनवाड़ी वालों का हल होना चाहिए। तो गाइस एक अब मसला आ गया है, देखो अभी इनकी भी सबकी राय जानेंगे। अब देखो जैसे थार के लिए मैंने बोल तो दिया, अब गोल भी आपको दे दिया, वो सारी चीजें तो होती रहेंगी, मीटअप भी होके आ गया। कुछ चीजें मुझे थार के लिए क्लियर है, जैसे कि हमें लेनी है डीजल गाड़ी, और डीजल में भी मैं जो है वो ऑटोमेटिक थार ही लूंगा। लेकिन उसके बाद जो दिक्कत है जिसको लेके मैं अभी कंफ्यूज हूँ, वो ये है कि थार सॉफ्ट टॉप है कि हॉट टॉप लेनी है, कलर कौन सा लेना है। तो इसमें ना मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, आज के इस कमेंट सेक्शन में ये होना चाहिए सॉफ्ट टॉप हॉट टॉप कलर कौन सा। इंस्टाग्राम पे भी पोल वगैरह तो डालते ही रहूंगा, बाकी सबसे पूछते हैं। आज मैं दिन को गया ना तो ज्यादा बातचीत होगी, तो मेरे को थोड़ा सर चक्कर आ रहा है, थोड़ी सी रेस्ट करूंगा, उसके बाद पापा भैया जब सब घर आते हैं और सबसे पराए भी जानते हैं, और कल शायद हमें जम्मू वापस भी निकलना है। तो गाइस फिलहाल मैं और पापा बैठ गए हैं आग के पास, आग सेक रहे हैं। मुझे ठंड कितनी है? इतनी ज्यादा है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना था आपसे। हम थार ले रहे हैं, कलर कौन सा लें? मेरी चॉइस का तो जो पहले वाली थार थी मुझे तो वही अच्छा लगता है, कंपनी की मिली थी ग्रे कलर, वो भी अच्छा था। आपने और कोई कलर में देखी है ऐसे? और कोई जैसे आप रेड फोर भी हो या कोई और, मैंने तो ऐसी गाड़ी को देखी नहीं थार वाली। ब्लैक नहीं?
ब्लैक भी नहीं। एक आती है हार्ड टॉप, एक आती है सॉफ्ट टॉप। हार्ड टॉप जो मैं लाया था ना वो हार्ड टॉप थी, सॉफ्ट टॉप वो है कि जिसका तिरपाल खुल जाता है। हमने देखा पीछे से खुल भी जाता है कपड़ा। प्लस पॉइंट उसका क्या? प्लस का क्या, बस एक खुली गाड़ी चलाने का शौक। उसका नुकसान ये है कि तिरपाल तो तिरपाल ही है, अगर हमने गाड़ी कहीं खड़ी भी की है अनजाने में कोई ब्लेड मार के फाड़ भी सकता है। हार्ड टॉप ही होना चाहिए, तिरपाल नहीं, हार्ड टॉप ही। हार्ड टॉप और ग्रे कलर, तो ये क्या दिया पापा ने? ये मेरी चॉइस है, मेरी मतलब पसंद है, बाकी आपकी अपनी पसंद है। चलो कोई, मैं तो आपको नहीं करूंगा कंपेल किसी के लिए। पापा इतना सीरियस हो गया क्यों बोल रहे हो? मम्मी के साथ तो मैं काफी फन करता हूँ, मैं पापा के साथ भी उतना ही फन करता हूँ, लेकिन कैमरे में पापा का फन उतना दिखा नहीं है क्या पापा? जो हमारा वो चलता है एक दूसरे को वो करने का, वो कैमरे में कब रिकॉर्ड करेंगे? अनजाने में कर ले तो अलग बात है, बाकी जानबूझ के नहीं है। जैसे हमारा किस चीज पे बहुत ज्यादा मेन जो वो रहता है, वो पता है किस चीज पे रहता है? क्या प्रोफेशन मुझे लेना चाहिए? ये जो यूट्यूब है ठीक है, मैं अपने मन की बताऊँ ना, इतना तो हमें शायद इन चीजों का एक्सपोजर भी नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, हमें जिस चीज का जानकारी है हम उसी को कहते हैं कि वही अच्छी है। वो जानकारी वाली चीज तो बता दो। चीज तो मैं तो कहता था कि चलो गवर्नमेंट जॉब में जाते थोड़ा सा उसमें टाइम भी मिल जाता है आपको, बैठने का, उठने का, घूमने का, 24 घंटे आप बिजी रहते हो डेली आपको। लेकिन मेरी बात तो सुनो, वीडियो बनानी है आपको, मेरी बात तो सुनो। अभी आपने भी तो गवर्नमेंट जॉब करी, तो हमारे पास ये एक वैगनर है, वो सरकारी नौकरी करके कब मैंने इसुजु लेनी थी? फिर तो उसमें करप्शन करनी पड़ेगी ना। मेरा ये मानना है कि देखो सरकारी नौकरी की ना लिमिट है, कमाने में आप बहुत कमा सकते हो, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है आप कितना कमाओ, लेकिन जो ईमानदारी का है ना उसमें आप बंधे बंधे ही रहोगे हमेशा। हमारे क्या है घर में सब जो है सरकारी नौकरियों वाले ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज चूज करी है क्यों? क्योंकि मेहनत है, अपनी किस्मत है, और उसके अपने जो आपके ख्वाब हैं वो पूरे हो सकते हैं। क्या ये नहीं सही है? उसमें मेरी कोई रोक टोक नहीं आपको, मैं कहता रहूंगा कि पापा को जो मानना है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये जो मेरा काम है ना, चाहे कितने भी पैसे हैं कितना भी कुछ है, लेकिन वो है कि जब तक दौड़ रहे हैं तब तक चल रहे हैं। नौकरी एक सिक्योरिटी होती है, कहीं भी आदमी बीमार पड़ जाए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। सारी नौकरी में आपको थोड़ा बहुत छुट्टियों का भी प्रोविजन होता है, सारा कुछ होता है। करियर को लेके हमारा वाद विवाद चलता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमारा वाद विवाद चलता है। पापा क्या वो हमें कैमरे पे भी डिस्कस करनी चाहिए? तो गाइस काफी ज्यादा हमारी और पापा की अंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, उसी चीज में हमें फन आता है। तो बस यही छोटी सी पापा को आपको बता दी, अभी मम्मा और भैया रह गए, उनका क्या कहना है कौन सी कलर कन्वर्टिबल या हॉट टॉप। गाइस ये मम्मी पता नहीं क्या देखती रहती है, ये अपना हक लेके ही छोड़ेंगे, बिना हक लिए नहीं छोड़ेंगे। क्या करना है हक को? और क्या हट जाइए ना, तनु क्या हमारी भी कोई इज्जत है यार क्या? अरे गाइस हम घर आएंगे तो क्या तुम छोड़ोगे? वीडियो एंड लगा था करने, तो आपसे एक चीज मुझे पूछनी थी। हमने थार का कलर कौन सा लेना? जो तुमने पहले लाई थी। अच्छा यार मैं एक गाड़ी लाया था घर, वो जो महिंद्रा वालों ने दी थी मेरे को थार ना, पापा भी कह रहे वही ग्रे लानी, मैं भी कह रही वही ग्रे लानी है। लेकिन आपको एक बात पता है, कल वाली वीडियो पे तो अच्छा रिस्पांस आया था, मेरे को लग रहा है पापा की बात सच हो जाएगी। 6 लाख तो होने नहीं है हमारी थार की, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये तो नहीं हुए। हाँ तो बस यही है, आज की वीडियो को फिर खत्म करें यहीं पे, अभी गपशप लगाते हैं थोड़ी सी, तो थक गए आज काफी, क्योंकि आज मैं उधर भी गया और कल वापस जाना है जम्मू, और उसके बाद अगर कोई भी सीन सभी तक गया, बाय बाय बोलो मम्मी, बाय बाय, ओके बाय बाय, बाकी 600K गाइस।